हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशंस, जहाँ पर हम केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहे डार्जन रिएक्शन, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, बाद में हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए रिएक्शन में क्या होता है। यहाँ पर चलो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। तो देखिए रिएक्शन में क्या होता है, अल्फ़ा हेलो ईस्टर। तो देखिए अल्फ़ा हेलो ईस्टर का फॉर्मूला किस तरह से रहेगा। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव। तो ये है अल्फ़ा हेलो ईस्टर। ये जो यहाँ पर ये पूरी ग्रुप आपको दिख रही है, ईस्टरिक ग्रुप, और इसको जो कार्बन अटैच है पहला वाला, ये है अल्फ़ा कार्बन। और जो भी इस पर जो ग्रुप अटैच है वो रहेंगे इस पर अल्फ़ा ग्रुप। तो ये देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और एक सी एल ग्रुप है। तो ये पहले कार्बन को जो अटैच रहेगा वो रहेगा अल्फ़ा ग्रुप। तो ये है अल्फ़ा हेलो एस्टर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अल्फ़ा हेलो एस्टर। ये रिएक्शन होती है एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, सी टू एच फाइव ओ नेगेटिव। यहाँ पर ये बेस है इथॉक्साइड बेस और कीटोन। यहाँ पर मैंने कीटोनिक ग्रुप एक एसीटोन लिया है, ये हो गया एसीटोन। तो प्रोडक्ट रहेगा अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पर सी एच ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव। तो ये है अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी इस्टर, अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी इस्टर। इसको ग्लाइसिडिक इस्टर भी बोलते हैं, दैट वन इज़ द ग्लाइसिडिक इस्टर। तो देखिए यहाँ पे ये अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी इस्टर जो है डार्जन रिएक्शन का प्रोडक्ट है। तो ये कैसे हुआ अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी इस्टर, मैं आपको बताती हूँ। ये इस्टरिक ग्रुप है और यहाँ पे एक पहला कार्बन है जो कि अल्फ़ा है और ये बीटा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन लिंकेज है इसको इपॉक्सी ग्रुप बोला जाता है। सो दैट वॉज दिस द होल कंपाउंड इज द अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी इस्टर। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म में क्या होता है। बहुत ही इजी मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। सो नेक्स्ट वन इज द मैकेनिज्म ऑफ ए डार्जन रिएक्शन। तो सबसे पहले अल्फा हेलोइस्टर लूंगी मैं। तो ये है अल्फा हेलोइस्टर सेम जो कि मैंने ऊपर में लिखा है। यह है अल्फा हेलो एस्टर। इसको मैं बेस के साथ ट्रीट करूँगी जो कि मैंने ऊपर भी ली है। तो देखिए ये है बेस हमारी इथॉक्साइड बेस। तो बेस का काम होता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर ये सी एच टू ग्रुप है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये जो इथॉक्साइड बेस मैंने ली है ये यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर यहाँ पर इथिल अल्कोहल रिमूव हो जाएगा। सो माइनस सी टू एच फाइव OH। तो देखिए यहाँ पर कार्बन एनायन बन रहा है, यहाँ पे Cl और इस कार्बन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज। तो देखिए कार्बन एनायन यहाँ पे फॉर्म हो गया है, ये C डबल बॉन्ड O O सी टू एच फाइव। ये जो रिजल्टेंट कार्बन एनायन हमारा सिंथेसिस हो गया है इसको हम एसीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एसीटोन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये जो कार्बोनिल ग्रुप है एसीटोन का, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है और ये नेगेटिव ग्रुप है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है सी एच के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो देखिए किस तरह से शिफ्टिंग होगी, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये इस तरह से अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट, मीन्स यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो शिफ्ट होकर यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो देखिए रिजल्टेंट कंपाउंड किस तरह से बनेगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगी। ये जो कंपाउंड है यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए, सी एच थ्री सी सी एच थ्री, यहाँ पर ओ नेगेटिव, यहाँ पर ये सी एच और ये सी एल बी एज इट इज, ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव। तो ये हो गया हमारा एक इंटरमीडिएट रिजल्टेंट कंपाउंड जो कि ऊपर की शिफ्टिंग से हमको मिला है। तो यहाँ पर आखिरी क्या होगा देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है
यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है यहाँ पर इस क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस Cl नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया Cl के ऊपर क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा अपने ऊपर CH3। और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बनेगा अभी ये O, C2H5। सो दिस वन इज द अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर। अगर आपको मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो दैट वन इज द अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर, इसको ग्लाइसिडिक एस्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन प्रोडक्ट है ग्लाइसिडिक एस्टर मींस अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है। सो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए हमें मोटिवेट करने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।